दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के 5 सबसे अजीबोगरीब गांव के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कई जगह तो ऐसी है जिन्हें देखना तो छोड़ो, आपने उनके बारे में सुना भी नहीं होगा। होक्से विलेज, ये तो आप सभी जानते होंगे कि नेपाल में भूकंप आते रहते हैं जिसकी वजह से लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। होक्से विलेज भी एक ऐसा गांव है जहां हमेशा भूकंप आता रहता है, इसीलिए लोग अपने घर को वापस बनाने के लिए अपनी किडनी तक बेच देते हैं ताकि उन पैसों से वो अपनी आगे की जिंदगी बिता सके। सांता क्रूज, इस जगह की सबसे खास बात यह है कि ये जगह समुद्र के बीच में मौजूद है जहाँ पर 1247 लोग रहते हैं। यहाँ पर 90 घर, 2 दुकानें, 1 रेस्टोरेंट और 1 स्कूल है जहाँ पर 80 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ के लोगों के बीच सुविधाओं की कमी है लेकिन फिर भी वो यहाँ खुश रहते हैं क्योंकि ये दुनिया की सबसे शांत जगह है जहाँ पर कोई भी अपराध नहीं होते। विग्लेना विलेज, ये गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है जहां तक सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, इसीलिए यहां पर हमेशा अंधेरा रहता था जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती थी। लेकिन उन लोगों की खुशी का ठिकाना तब नहीं रहा जब वैज्ञानिकों ने उनके लिए नया सूरज बना दिया। हुआ ये था कि वैज्ञानिकों ने पहाड़ पर एक बड़ा सारा कांच लगा दिया जिसे सूरज की किरणें होते हुए गाँव तक पहुँच जाती है, जिसे गाँव वालों को रोशनी मिल जाती है। ड्वार्फ विलेज, चाइना में एक ऐसा गांव है जहां पर लगभग सभी बोने हैं, जिसकी वजह से इसका नाम बोनों का गांव रख दिया गया है। इस गांव से जुड़ी एक कहानी के अनुसार वांग नाम के एक व्यक्ति को अजीब पैरों वाला एक ब्लैक कछुआ मिला, जिसे पकड़ने के बाद गांव वाले सोच में पड़ गए कि इसे पकाकर खाया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। लेकिन उन्होंने इसे छोड़ने के बजाय पकाकर खा लिया, जिसकी वजह से उनके आने वाले बच्चे बोने पैदा होने लगे। कलाची विलेज, ये एक रहस्यमय गांव है जहां पर लोगों को एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते उन्हें कहीं भी और कभी भी नींद आ जाती है, यहां तक कि वो घूमते फिरते भी सो जाते हैं। सोचो अगर आप अकेले किसी ऐसी जगह पर जाओ जहां पर हर तरफ लोग सो रहे हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा। मैं तो सच में देखकर डर ही जाऊंगा। दोस्तों आपके गाँव का क्या नाम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।